स्वागत है आप लोगों का। आखिरकार जोकर मूवी रिलीज हो चुकी है और मैंने देख भी ली है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छी सी रिव्यू वीडियो बना ली जाए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये मूवी आपको देखने का मौका नहीं मिला है तो टेंशन ना लो, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉइलर फ्री होगी, तो आप बेझिझक ये मूवी देखने से पहले इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस मूवी की हाइप तो महीनों पहले से चालू है, और मैं तो भाई बिल्कुल अच्छी वाली एक्सपेक्टेशन के साथ थिएटर में घुसा था और सच में बहुत एक्साइटेड था इस मूवी को लेकर। ये मूवी इतनी सही है कि इसे रिलीज होने से पहले ही अवार्ड मिलने चालू हो गए थे। और इतना ही नहीं, मेरी एक्साइटमेंट का ये भी एक कारण था कि ये मूवी अब तक की सबसे बेस्ट विलन जोकर के ऊपर है और उसके एक्चुअल ओरिजिन पे है, जो कि अब तक एक मिस्ट्री ही था, क्योंकि जोकर का ओरिजिन अब तक ठीक से एक्सप्लेन या एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, जोकर का कैरेक्टर और कोई नहीं वॉकिंग फीनिक्स ने प्ले किया है। अब कुछ लोग शायद वॉकिंग फीनिक्स को नहीं जानते होंगे और इसलिए जब उनकी कास्टिंग अनाउंस की गई थी तो कुछ लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आए थे वो। और हाँ, ये वही लोग थे जिनके मुंह खुले रह गए थे जब जोकर का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ था। वॉकिंग फीनिक्स अब तक के सबसे बेस्ट एक्टर्स में आते हैं, क्योंकि इस इंसान को 50 से भी ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, और तो और इन्हें 5 मूवीज के लिए बेस्ट एक्टर्स के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है। इस मूवी के ट्रेलर ने ही इतनी आग लगा डाली थी कि उसे ये तो क्लियर हो गया था कि वॉकिंग फीनिक्स की एक्टिंग और टॉड फिलिप्स की डायरेक्शन से ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर ही होने वाली है, और यहाँ तक कि इसके एक्टर को ऑस्कर तक मिल सकता है। अब हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर हीथ लेजर के जोकर से बढ़िया और कोई हो नहीं सकता। और हाँ, इस पॉइंट से काफी हद तक मैं अग्री करता हूँ। अब हीथ लेजर के जोकर ने कैरेक्टर को जो यूनिकनेस और पॉपुलैरिटी दी, आज उसी की बदौलत जोकर का फैन बेस इतना बड़ा है। और हाँ, अब उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाना काफी मुश्किल है। डार्क नाइट के जोकर के बाद सब यही जानना चाहते थे कि जोकर का एक्चुअल ओरिजिन क्या है, आखिर वो ऐसा बना तो बना कैसे, और बिना किसी सुपर पावर्स के जोकर इतना डार्क और यूनिक विलन बना कैसे, जिसे ना तो पैसों से मतलब है ना किसी की जिंदगी और फीलिंग्स है। अब हीथ लेजर की डेथ के बाद किसी को तो ये करना ही था ना, इसीलिए फीनिक्स ने इस कैरेक्टर में फिर से जान डाल दी। अब ये एक स्टैंड अलोन मूवी है और पिछले डीसी मूवीज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बट इस मूवी से इतना जरूर पता चल ही जाता है कि जोकर दिमाग से और साइकोलॉजी से किस तरह काम करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतना अजीब तरीके से सोचता है, और जोकर के थॉट्स किस तरीके से काम करते हैं, वो इतने बुरे बुरे काम इतनी आसानी से कैसे कर लेता है। अब मूवी का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आर्थर के कैरेक्टर पे होता है, और 90% ऑफ द फिल्म आपको जोकर की ही स्टोरी देखने को मिलेगी। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि शुरू में आर्थर झुक कर चलता है और डरा डरा सा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो जोकर बनने के करीब होता है उसका स्टाइल और चाल बदलने लगती है। अब वो सीधा होकर चलने लगता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब मूवी में आपको दूसरे एक्टर्स या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, बट उनका अपीयरेंस ना के बराबर ही है। अब क्योंकि मूवी का नाम ही जोकर है तो जोकर ही देखने को मिलेगा ना। और पर्सनली मुझे आर्थर का कैरेक्टर और सिनेमेटोग्राफी सबसे गजब की लगी, और ऊपर से मूवी की ट्रांजिशन तो और भी मस्त थी। मतलब आप देख सकते हैं कि मूवी धीरे धीरे डार्क होती चली जाती है, जहां मूवी का फर्स्ट शॉट ब्राइट डेलाइट में होता है तो वहीं उसका एंड शॉट बिल्कुल ही रात में होता है, मतलब बिल्कुल डार्क, समझ गए ना। मतलब ये मूवी देखने के बाद तो मुझे डीसी का फ्यूचर एकदम सही लग रहा है, और इसका पूरा क्रेडिट टॉड फिलिप्स को जाता है। उन्होंने इस मूवी को ऐसी डायरेक्शन दी कि इसका हर एक शॉट एक मास्टरपीस निकल के आता है। और आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि टॉड फिलिप्स एक्चुअली एक कॉमेडी डायरेक्टर हैं, और उनकी ये पहली ट्रेजेडी फिल्म है, और देखो फिर भी ऐसी मूवी तैयार करके दे दी जो कि ऑस्कर वर्दी है। और पर्सनली ये इस डेकेड की सबसे बेस्ट फिल्म है, इसलिए इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करना। हालांकि ये मूवी 18+ है, बट अगर आपको किसी तरीके से एंट्री मिल जाती है तो ये मूवी जरूर देख लेना। और हाँ, एक बात और, वॉर के चलते इस मूवी को कम स्क्रीन टाइम मिला है, और शायद इसलिए ये मूवी हिंदी में डब नहीं हो पाई, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट अगर इंग्लिश में भी देखने को मिल जाए तो भाइयों जरूर देख लेना। अब मैं तो ऐसी मूवी इंग्लिश में प्रेफर करता हूँ, जो कि इन मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, क्योंकि डबिंग में मूवी की वाट लग जाती है सही में, और फिर उन सीन्स और शॉट्स में जो मूवी की जान होती है वो अपनी चमक खो देते हैं, और फिर मूवी में वो बात रह नहीं जाती। और हाँ, शायद जिन लोगों को ज्यादा डार्क और वॉयलेंस वाली मूवी पसंद नहीं, वो शायद इसे इतनी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मूवी वॉयलेंस से भरी हुई है। पर मुझे तो एक्टिंग, डायरेक्टिंग और स्टोरी से ज्यादा मतलब होता है, इसलिए मुझे तो ये मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं इस मूवी को स्कोर दूंगा।
और हाँ, मुझे ये जरूर बताना कि आपको हॉलीवुड मूवीज कौन सी लैंग्वेज में देखना ज्यादा पसंद है, और अगर आपने जोकर मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी और कितनी अच्छी लगी। और हमेशा की तरह, यू गाइज आर ऑसम।